नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि कील से और फोटो से किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाले सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो बेझिझक हमें संपर्क करें, आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, धन्यवाद। मित्रों, विधि बताने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है, अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसे बताया है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि का। विधि में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो सामग्री है, इसमें एक तो कील आपको लेनी है और एक आपको लेनी है सामने वाले की फोटो। फोटो 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 3 साल से पुरानी अगर फोटो है तो इसमें आपको पूर्णतः रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो 3 साल पुरानी या उससे नई आपको फोटो लेनी है और आपको विधि करनी है। विधि का समय रहेगा किसी भी दिन, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, आप किसी भी दिन इस विधि को कर सकते हो। और राहु काल का ध्यान रखना, इंटरनेट पे आप सर्च कर लीजिए कि जिस दिन आप ये विधि कर रहे हो उस दिन राहु काल कितनी बजे से कितनी बजे तक है, वो समय आपको छोड़ देना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर दिन के समय, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच, रात्रि में ये उपाय नहीं होगा, दिन के समय आपको ये 2 सामग्री लेनी है। स्नान आदि से निवृत्त होना है, शुद्ध होना है, माताएं बहनें कठिन दिनों में ना करें, मांस मदिरा का पान किए हुए व्यक्ति इस विधि से दूर रहें। और जितने दिन ये विधि चलेगी उतने दिन आपको मांस मदिरा छोड़नी पड़ेगी, तभी इसका असर सही होगा। तो किसी भी दिन राहु काल को छोड़ के स्नान आदि से निवृत्त होकर ये 2 सामग्री लीजिए और पीपल के पेड़ के पास चले जाइए। जो भी आपके घर के नजदीक पीपल का पेड़ है वहां पर जाकर ये आपको विधि कंप्लीट करनी है। तो आपको सबसे पहले ये जो फोटो जिसका वशीकरण करना चाहते हो उसको आपको फोल्ड करना है और उस पीपल के पेड़ की जड़ों में गाड़ देना है। सबसे पहला आपको ये काम करना है। उसके पश्चात आप ये जो कील है इसे आपको पीपल के पेड़ के तने में गाड़नी है। तो ये ध्यान रखिए कि तने में ही आपको ये गाड़नी है, नीचे वाली साइड नहीं, जड़ में नहीं गाड़नी है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। पीपल के पेड़ के तने में आपको ये कील है वो ठोक देनी है, उसको वहां पर लगा देना है। उसके पश्चात आपको एक मंत्र बोलना है। हमने किसी भी चीज को इस विधि में अभिमंत्रित नहीं किया क्योंकि एक मनोकामना पूर्ति वशीकरण है और आपको वहां पर खड़े होकर मंत्र बोलना है। सबसे पहले आपको फोटो है वो जमीन में गाड़ देनी है, पीपल के पेड़ के जड़ों में गाड़ देनी है और ये जो कील है इसको आपको पीपल के पेड़ के तने में, जड़ से थोड़ा सा ऊपर तने के अंदर आपको इसे ठोकना है। और उसके पश्चात आपको एक मंत्र बोलना है वहां पर खड़े हुए, बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उच्चारण करना है। मंत्र ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम ह्रीम नमः सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। ओम ह्रीम नमः सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। मान लीजिए कोई लड़का वशीकरण कर रहा है स्वाति नाम की लड़की का, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा ओम ह्रीम नमः स्वाति वश्यम स्वाहा। सामने वाले का नाम आपको बोलना है और उसका चेहरा अंतर ध्यान करना है, आंखें बंद करके आपको ये मंत्र बोलना है। बहुत ही पावरफुल मंत्र है और जो भी आपने ये टोटका किया है पीपल के पेड़ के नीचे, बहुत ही ताकत प्रदान करने वाला, बहुत ही आकर्षण प्रदान करने वाला वशीकरण है। सबसे पहले आपको, दोबारा समझिए, मैं आपको सही भाषा में समझा रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपने ये फोटो है वो पीपल के पेड़ के जड़ों में गाड़ी, उसके बाद आपने ये कील है वो तने में ठोक दी, उसके पश्चात आपको उसका चेहरा अंतर ध्यान करना है। जैसे ही आपको चेहरा साफ साफ अंतर्मुख हो उसके पश्चात आप आंखें खोलकर मंत्र वहां पर उच्चारण कर सकते हो। चेहरा अंतर ध्यान करना है, पूरे मंत्र बोलते हुए चेहरा अंतर ध्यान नहीं करना आपको। 108 मंत्र आपको बोलने हैं, तब तक आंखें बंद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार मंत्र शुरू करने से पहले आपको सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है और जैसे ही उसका चेहरा आपको स्पष्ट अंतर्मन में दिखाई दे तब आपको मंत्र शुरू करना है, वो आप आंखें खोलकर भी कर सकते हो। मंत्र है
ओम ह्रीम नमः सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा, ओम ह्रीम नमः सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा, ये मंत्र आपको रट लेना है और अच्छे से उच्चारण करते हुए और आपको 108 बार मंत्र बोलना है। उसके पश्चात आप ये जो कील है और ये जो फोटो है वहीं पर छोड़कर उसी अवस्था में, ये फोटो गड़ी हुई है और कील तने में लगी हुई है, ये वैसे ही अवस्था में छोड़कर आपको घर आ जाना है और अपने हाथ मुंह धोकर आप अपने काम लग सकते हो, ये आपको वहीं पर छोड़ देनी है। अगले 5 दिनों तक आपको वहां पर जाना है, ये वहीं लगी हुई होगी, ये आपको सिर्फ पहले दिन लगानी है, अगले 5 दिनों तक नहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अगले 5 दिनों तक आपको राहु काल छोड़कर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, उसी के नीचे जहां पर ये आपने टोटका किया है, और वहां पर जाकर आपको 108 बार मंत्र बोलकर आना है। 5 दिनों के भीतर भीतर आप ऐसा प्रचंड वशीकरण देखोगे कि आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि इतना आकर्षण सामने वाले में कहां से आया। ऐसा आपको लगेगा कि सामने वाला आप पर न्योछावर होना चाहता है, आपसे बातचीत बढ़ाना चाहता है, आपसे नजदीकियां बढ़ाना चाहता है, और बहुत ही पावरफुल टोटका है। पीपल के पेड़ के तने में आपने कील गाड़ी और जो ये फोटो है सामने वाले की वो आपने पीपल के जड़ में गाड़ी और उसके पश्चात आपने ये टोटका किया, आपने मंत्र बोला, आपने सामने वाले के लिए उपाय किया, बहुत ही प्रामाणिक टोटका है। 5 दिन के भीतर भीतर आपको रिजल्ट मिलेगा, और जैसे ही रिजल्ट मिले, जैसे ही सामने वाला आपसे संवाद करने के लिए तैयार हो, आपके पास आपकी तरफ आकर्षित हो और आपसे जुड़ने की कोशिश करे और आपको लगे कि पूरा वशीकरण हो चुका है, उसके पश्चात आपको ये कील निकालकर, पीपल के पेड़ के तने से कील निकालकर आपको उसे भी पीपल के पेड़ की जड़ों में गाड़ देना है, वहां पर आपकी ये जो आपने टोटका किया है ये शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और आप ये विधि करिए, बहुत ही प्रामाणिक पावरफुल विधि है, आप इसे करोगे तो आपको पूरी तरीके से लाभ मिलेगा। मित्रों, हम जो भी उपाय आपको बताते हैं वो उपाय आपको सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। मैं हर विधि में आपको समझाता हूं, हर विधि में आपको फोर्स करता हूं कि आप सिर्फ देखिए मत, आप इन वीडियो को करिए, इन विधियों को करिए, आपको ये उपाय करने पड़ेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आप सिर्फ देखने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जिन पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही है, पति पत्नी में एक साथ बैठ के आप बात नहीं कर सकते, झगड़ा करके उठोगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी दूसरे मुद्दे पर बात करने के लिए बैठते हैं और उनको पता नहीं चलता कि कब उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया, और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि 10-10, 15-15 दिनों तक आपस में बात नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा आपके बीच में हो रहा है तो ये उपाय करिए, सामने वाले को आकर्षित करिए। आपका पति, आपकी पत्नी जब आपसे आकर्षित हो जाएगी तो आपके साथ झगड़ा करना छोड़ देंगे, आपकी बातों में हाँ में हाँ मिलाएंगे और आपका दाम्पत्य जीवन अच्छे से गुजरेगा। अगर रिश्ता टूट गया है, अगर आप किसी से रिश्ता जोड़ना चाहते हो और इससे रिश्ता टूट गया किसी भी दबाव में आकर, तो या आप ये विधि का इस्तेमाल कर सकते हो और शादी तक अपनी बात को पहुंचा सकते हो। अगर आपका जीवन साथी गलत रास्ते में पड़ गया है, किसी गलत व्यसन में चला गया है, तब आप ये विधियों का सहारा लेकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो और अपने जीवन साथी को गलत रास्ते से बाहर निकाल सकते हो, जिससे उसका जीवन भी सुखी और आपके जीवन भी सुखी। और शादी के लिए सामने वाला मना कर रहा हो, जैसे कई स्थितियों में बच्चियों के साथ ऐसा होता है और लड़कों के साथ भी ऐसा होता है कि सामने वाला बहुत लंबा रिलेशनशिप रखता है और उसके पश्चात शादी के लिए मना हो जाता है, चाहे वो घर वालों का दबाव हो, चाहे किसी भी प्रकार का कारण हो, चाहे कोई थर्ड पर्सन आ गया हो, वहां पर आप इन विधियों का सहारा लीजिए, आपके जीवन साथी को आपसे कोई दूर नहीं कर पाएगा, जीवन पर्यंत आप उसके साथ बने रहोगे, पर करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, किसी भी गलत मकसद के लिए, भोग विलास के लिए हमारी विधियों का, किसी भी विधियों का प्रयोग ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। जिन लोगों को सच में आवश्यकता है, जिनका रिश्ता टूट रहा है, शादीशुदा जीवन में विघ्न आ रहा है, दिक्कत आ रही है, और शादी तक बात गई और उसके पश्चात मना हो गया है, आप शादी करना चाहते हो, सामने वाले को जीवन साथी बनाना चाहते हो, तब आप ये विधियों का प्रयोग करें, आप हमेशा के लिए सफल होंगे और आपको माता रानी हमेशा आशीर्वाद देगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। पर इतना ध्यान रखें
कि व्हाट्सएप पर हमारे पास रोज के 1000 मैसेज आते हैं, हम सभी का जवाब नहीं दे पाएंगे, आपको डायरेक्ट कॉल पर ही बातचीत करनी पड़ेगी। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।